हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा।
सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान।
भक्त की माखी मनवा राम उड़ावन वाले हैं। पत्थर में जो जीव है भोखा राम खिलावन वाले हैं। राम ही राम बोलती बहती राम सारे रास्ते बंद हो जाते सूझे नहीं उजियारा। रास्ता सालों साल बुहारा जीवन बीत चला है सारा। अब तो आ जाओ मेरे राम अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम जब तक श्वासा तब तक आशा कहती दुनिया सारी। जब तक श्वासा तब तक आशा कहती दुनिया सारी। प्रेम बावरी दरस दीवानी तकती राह तिहारी। कर दो मेरा पार उतारा कर दो मेरा पार उतारा। अब तो आ जाओ मेरे राम अब तो आ जाओ मेरे राम। जीवन बीत चला है सारा अब तो आ जाओ मेरे राम।
अब तो आ जाओ मेरे राम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा राम ही राम पुकारे, पत्ता पत्ता बूटा बूटा राम ही राम पुकारे। रात ढले जब राम की माला लेते चांद सितारे, राम के बिना नहीं है गुजारा, राम के बिना नहीं है गुजारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम। बूढ़े नैना एक तमन्ना कबहू तुम्हें निहारे, राम ही राम गुजरने वाली कहती सभी बहारे, जपता अंबर में ध्रुव तारा, जपता अंबर में ध्रुव तारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम। मैं क्या जानूं काहे इतनी लगी हुई है देरी, मैं क्या जानूं काहे इतनी लगी हुई है देरी। मन का कमल खिला दो रघुवर, ले लो सुध अब मेरी, कर दो कुटिया में उजियारा, कर दो कुटिया में उजियारा। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम। अब तो आ जाओ मेरे राम।
देना। एक बात अकेले में श्री राम से कह देना। एक बात अकेले दे।
लक्ष्मण बड़ भागी रहता प्रभु चरणों में। है लखन तो बड़ भागी रहता प्रभु चरणों में। मुझे मौत नहीं आती। दुनिया के अंधेरे में श्री राम से कह देना एक बात अकेले। जिस मोती में मेरे राम नहीं मुझको वो माला ना चाहिए। जिस मोती में मेरे राम नहीं मुझको वो माला ना चाहिए। क्या करना इन उपहारों का, कोई शौक न चांद सितारों का। क्या करना इन उपहारों का, कोई शौक न चांद सितारों का। जहाँ रघुवर का दीदार नहीं मुझे ऐसा उजाला ना चाहिए। जिस मन के में मेरे राम नहीं मुझको वो माला ना चाहिए। आभूषण है रघुनाथ मेरे, बस सर पे सदा रहे हाथ मेरे। आभूषण है रघुनाथ मेरे, बस सर पे सदा रहे हाथ मेरे। जिसे पीकर मस्ती चढ़े नहीं भई ऐसा प्याला ना चाहिए। जिसे पीकर मस्ती चढ़े नहीं भई ऐसा प्याला ना चाहिए। जिस मोती में मेरे राम नहीं मुझको वो माला ना चाहिए।
बिन राम मजा क्या जीने में, सिया राम बसे मेरे सीने में। बिन राम मजा क्या जीने में, सिया राम बसे मेरे सीने में। फल दूर लगे, फल दूर लगे दे छाया नहीं, तरवर हरियाला ना चाहिए। फल दूर लगे दे छाया नहीं, तरवर हरियाला ना चाहिए। जिस मोती में मेरे राम नहीं, मुझको वो माला ना चाहिए। भक्ति के कमल खिलाता हूँ, लो सीना फाड़ दिखाता हूँ। भक्ति के कमल खिलाता हूँ, लो सीना फाड़ दिखाता हूँ। मन गंगा जैसा निर्मल है, मुझे दाल में काला ना चाहिए। मन गंगा जैसा निर्मल है, मुझे दाल में काला ना चाहिए। जिस मोती में मेरे राम नहीं, मुझको वो माला ना चाहिए। भिलनी महातपस्विनी शबरी जा को नाम, मतंग मुनि कह कर गए तो हे मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया माँ भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं, बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
थी शबरी भक्तन न्योछावर करके तन मन मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन बागों से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चढ़ाती गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती चरण धोके श्री राम का करती चरणामृत का पान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान एक ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि माँ शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बल्कि कहते थे ये कौन दिखात कुटी मानारी ते उत जाती है मूद भरी छिन भी तरबाहर होत छिना सुख सो नहीं बैठत एक घरी यही के तन में कछुपीर भई ये वियोगिन मान समाहि जरी अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है शबरी मतंग शबरी को बताए बहु भांति समझाए सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर राम नाम में लीन हो गई राम नाम में पाकर ज्ञान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान माँ शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे तब माँ शबरी ने उनसे पूछा हे गुरुवर मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे। इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी अरे दुनिया राम को ढूंढती है मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। माँ शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। माँ शबरी हर रोज राहों पर फूल बिछाती थी चुन चुन कर मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करती थी ताकि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे। राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी माँ बिछाती थी। शबरी माँ सोचती थी कि मेरे गुरुवर कह के गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे। शबरी माँ राहों पर दूर दूर तक फूल बिछाती कि प्रभु श्री राम के पैर में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। राह पे फूल बिछाती वो मीठे बेर को लाती
मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाते। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे के अखियां पंथ निहारे। जर जर हो गई काया फिर भी, जर जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं समय समय के साथ बीतता गया। माँ शबरी अब बूढ़ी हो गई। माँ शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, प्रभु श्री राम के प्रति उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया। माँ शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी, मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी। प्रयागराज जहां पर कुंभ का मेला लगता है, एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुंभ के मेले को देखने पहुंची। अपने पूर्व जन्म में भी माँ शबरी को प्रभु श्रीराम से उतना ही ज्यादा प्यार था। उस वक्त रानी ने अपने पति से ये इच्छा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्तन करूंगी, जिस पर उसके राजा पति ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटे लोगों के साथ बैठना शोभा नहीं देता। ये बात महारानी के हृदय में चुभ गई। महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और ईश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना। इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया है, अगले जन्म में चाहे तो मुझे भीलनी बना देना, मगर हे प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो मुझे ये सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन ना हो। वो राजकुमारी अगले जन्म में माँ शबरी बनी, वही माँ शबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी। वो सुंदर आसन लगा के स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के। राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के, और ना अब तड़ पाओ राम मेरे आ भी जाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ। दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ। दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और हम सबके परम पूज्य बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। और यही काम माता शबरी दिन रात कर रही थी, बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे। वो हर वक्त हे राम बोलती रहती थी। प्रभु श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे, तो उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लखन से कहा, प्रिय अनुज ध्यान से सुनो, मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अपने माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूं। चलो अनुज, माता शबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता शबरी की नजर जब प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है, तो माता की आंखों से खुशियों के आंसू धारा प्रवाह बहने लगते हैं। माता शबरी रो रो के कहने लगती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। आंसू भरी आंखों से माँ शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी। दोनों हाथों को जोड़कर दौड़े दौड़े माँ शबरी ने प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे राम मैं तो दो जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। लोग मुझे पागल बुला रहे थे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी, राम लक्ष्मण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में जरूर आएंगे। राम संग लखन को आते देखी प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पांव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसुओं से पग धोए, खुशी के आंसुओं से पग धोए, भक्त न शबरी समान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं मित्रों, मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा, वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है। और वो बात ये है कि ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है, मगर हम ईश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण हैं। हम पैदा तो इंसान के रूप में होते हैं,
मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है। इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो, और ईश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने, दयालु बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे ईसा मसीह के रूप में। जो भी इंसान ईश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर की बात है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है। उसका मन हमेशा साफ और शांत रहता है। मन हो गर निर्मल संजय, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो जूठे बेर भी खाते। प्रसाद की बात करें क्या, वो जूठे बेर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे हैं अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी, साउंड इंजीनियर श्री कैलाश डंडरियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली, संगीतकार लवली शर्मा, मैं आपका अपना रविराज और वीर म्यूजिक परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोला भक्त और भगवान की जय। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम अमृत कलयुग में, राम नाम अमृत कल इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।
राम नाम जिस पे न लिखा हो, राम नाम जिस पे न लिखा हो, वो अंगूठी और नगीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। कैसे पार करे भव सागर, पीले राम नाम का प्याला, पीले राम नाम का प्याला, फिर काशी और मदीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। जपने से तर दुनिया सारी, हाँ राम नाम की महिमा भारी, जपने से तर दुनिया सारी, जिसके अंदर राम बसे ना, जिसके अंदर राम बसे ना, फिर उस मानव का सीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। मेरी नैया में लक्ष्मण राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, सिया संग लाए हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम आए हैं, कटौती में गंगा जल लाया, मैं तो कटौती में, हाँ मैं तो
कटौती में गंगा जल लाया, चरण धुलाए चरणामृत पाया, मुझसे चरण धुलाने भगवान आए हैं। प्रभु राम आए हैं, सिया संग लाए हैं, राम आए हैं भाई संग लाए हैं, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम आए हैं। हाँ कहते हैं गंगा के पार है जाना, कहते हैं गंगा के, कहते हैं गंगा के पार है जाना, हे भैया केवट हमें पार लगाना, हम पार जाने तेरे द्वार आए हैं। सिया संग लाए हैं, राम आए हैं भाई संग लाए हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम आए हैं। गंगा मैया धीरे से बहना, गंगा मैया धीरे से, हाँ गंगा मैया धीरे से बहना, हे नैया प्यारी हिचको ले न लेना, कोमल कोमल नंगे पाँव आए हैं। सिया संग लाए हैं, राम आए हैं भाई संग लाए हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम आए हैं। हाँ पुत्राई तुमसे मैं कुछ भी न लूंगा, पुत्राई तुमसे प्रभु जी, पुत्राई तुमसे मैं कुछ भी न लूंगा, अंत समय चंदन पार लगूंगा, भव पार लगाने भगवान आए हैं। सिया संग लाए हैं, राम आए हैं भाई संग लाए हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम आए हैं। भक्तों लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो, मैं तो मोह माया ने त्यागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो, ऐसी लगन हरी संग लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो, ऐसी लगन हरी संग लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो, मन राम नाम धुन
लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो हर बंधन जग का छूटा आज सत्संग में मारो मन लाग्यो हरी चरणों में रम जाऊं आज सत्संग में मारो मन लाग्यो मन राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो मारे रोम रोम में बस गया राम सत्संग में मारो मन लाग्यो हरि कारण छोड़ी लोक निलाज सत्संग में मारो मन लाग्यो मारा सपना में राम जी पधार्या आज सत्संग में मारो मन लाग्यो मारी जन्म जन्म की मिट गई प्यास सत्संग में मारो मन लाग्यो मन राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो मन मिल गयो राम को आशीर्वाद सत्संग में मारो मन लाग्यो मैं तो झूम झूम हरि गुण गाऊं आज सत्संग में मारो मन लाग्यो मन राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो मन राम नाम धुन लागी आज सत्संग में मारो मन लाग्यो Thank you.
से गुलाम अब